बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो एक तो हमने जो पिछला टॉपिक शुरू किया था लिंकेज का, उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा, और उसके बाद जो है हम आगे क्रोमोसोमल एब्रिजन्स की तरफ चलेंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले पिछले वाला टॉपिक का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा रहता था, दैट इज रिगार्डिंग हाउ वी कैन कैलकुलेट द लिंकेज परसेंटेज। ठीक है जी, तो इसके रिलेटेड इंशाल्लाह हम जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे कल जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसके अंदर। तो उसके दो मेथड हैं बेसिकली लिंकेज को कैलकुलेट करने के। एक मेथड है टेस्ट क्रॉस मेथड। अब टेस्ट क्रॉस का आप लोगों को पता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस ऑफ F1 विद डबल रिसेसिव, यानी कि जो पेयर रिसेसिव है उसके साथ F1 का क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, टेस्ट क्रॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, जब भी हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं, हर कॉम्बिनेशन की एक एक वैल्यू आती है, जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं सारे कॉम्बिनेशन इक्वल क्वान्टिटी या इक्वल तादाद में आते हैं, लेकिन चूंकि लिंकेज के अंदर वो डिफरेंट होंगे, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे जो कि पेयर्स की तरह के होंगे उनकी तादाद डिफरेंट होगी, और जो न्यू तरह के बनेंगे उनकी तादाद डिफरेंट होगी। तो इसकी बेस के ऊपर हम जब क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला एग्जैक्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सेकेंड जो मेथड है वो है F2 एनालिसिस। जैसे आप लोगों को पता है कि जो F2 एनालिसिस है उसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या आती है, 9331, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर जो 9331 रेशियो है, जब लिंकेज होगी तो ये रेशियो 9331 रेशियो नहीं आएगी, ये चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया ना, क्योंकि लिंक्ड है ना जीन्स आपस में। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो डबल रिसेसिव है, यानी कि जो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, उसको हम यूज करेंगे। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे लिंकेज की परसेंटेज और उसके साथ ही क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज। ठीक है जी, ये हम इसका जो फार्मूला था वो हम कल वाली क्लास में जो प्रैक्टिकल किया है जिसके अंदर साथ में प्रैक्टिकल भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ओके जी फाइन। ये साथ में न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, तो ये वाले इंशाल्लाह प्रॉब्लम जो हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल आसान से दो टॉपिक हैं, क्रोमोसोमल एबेरियंस। एबेरियंस का मतलब होता है चेंजेस या प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है, ये बात ध्यान में रख लें।
किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है और जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, ठीक हो गया जी। और ये जब फिक्स होता है तो इस फिक्स होने की वजह से उस इंडिविजुअल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी फिक्स होती हैं, ठीक हो गया ना। यानी कि एक ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए होगा वो डीएनए ह्यूमंस वाले ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा। अगर इस डीएनए को हम चेंज करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस वाली नहीं आएंगी, किसी और तरह की आ जाएंगी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इस ये जो रूटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो उसकी तादाद है या उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो चेंज हो, अगर उसमें कोई चेंजेस आए तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये जो एबरेशंस है ये तीन तरह की होती है। एक तो होती है रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशंस एक नॉर्मल चेंज है, इसके दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान ड्यूरिंग मियोसिस। आप लोगों को याद होगा जब हमने मियोसिस की पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशंस। यानी कि जो जीन्स है वो इधर उधर होती हैं, उनका नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ए के साथ बी था तो अब ए के साथ हो सकता है सी आ जाए या ए के साथ हो सकता है डी आ जाए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बहुत ज्यादा डेंजरस प्रोसेस नहीं। सेकेंड है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और तीसरा है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम नंबर है किसी भी जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, दैट इज कॉल्ड बेसिक क्रोमोसोम नंबर। उसको एक्स के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है जी। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो मिनिमम क्रोमोसोम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, और उसको हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो चेंजेस हैं वो बेसिक क्रोमोसोम्स के साथ कंपैरिजन हम करेंगे हमेशा। अगर तो वो जो चेंजेस हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो नंबर के अंदर चेंजेस हैं वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम होंगी, अगर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम होंगी तो इसको हम कहेंगे यूप्लाइडी। क्या कहेंगे इसको हम, यूप्लाइडी। और अगर ये जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो चेंजेस है वो एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो, यानी कि एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया या एक क्रोमोसोम कम हो गया या दो क्रोमोसोम ज्यादा हो गए या दो क्रोमोसोम कम हो गए, उसको हम कहेंगे एन्यूप्लाइडी, ठीक हो गया जी। सो ये दो तरह के क्रोमोसोम चेंजेस हैं। ये जो दोनों है यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी, इनको मिला के हम कहते हैं पॉलीप्लाइडी। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर्स के अंदर चेंजेस आती हैं उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं या जो फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लाइडी। और पॉलीप्लाइडी की दो टाइप्स हैं, यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी के अंदर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं और एन्यूप्लाइडी के अंदर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर हम वीट को लेते हैं, वीट के अंदर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है ना वो 7 है, ठीक है ना, और उसको एक्स के साथ हम डिनोट करते हैं। अब अगर 7 से क्रोमोसोम नंबर 14 हो जाए तो डेट मीन्स कि वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो गया, ये डबल हो गए। अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे तो वो 21 हो जाएंगे। अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो वो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर उसको 5 टाइम्स बेसिक क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 6 टाइम हो जाए तो वो 42 हो जाएगा। तो ये जो 14 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें जो बेसिक क्रोमोसोम डबल हुए, इसको हम बोलते हैं डिप्लाइड। डाइड क्योंकि दो के लिए है, प्लाइड पॉलीप्लाइड से वर्ड निकला है, तो ये क्या है, डिप्लाइड। ऐसे ही जो 3 गुना है वो क्या होगा, ट्रिप्लाइड। जो 4 गुना है वो क्या होगा, टेट्राप्लाइड। जो 5 गुना है वो पेंटाप्लाइड। जो 6 गुना है वो हेक्साप्लाइड। ऐसे ही जो 7 गुना होगा वो हेप्टाप्लाइड। 8 गुना जो है वो ऑक्टाप्लाइड। सो इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक हो गया जी। यूप्लाइडी की समझ आ गई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी आगे, डिप्लाइड ट्रिप्लाइड टेट्राप्लाइड पेंटाप्लाइड। यस सर, यस सर। ओके, इसकी जो यूप्लाइडी है इसकी एक और टाइप भी है, वो इसको हम कहते हैं
जो पॉलीप्लाइड है उसकी एक और टाइप भी आप कह सकते हैं जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो एक और वे से भी करते हैं, वो है एलो पॉलीप्लाइड और ऑटो पॉलीप्लाइड। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, सो एलो पॉलीप्लाइड का मतलब ये है कि जो बेसिक क्रोमोसोम्स ऐड हुए हैं ये दो डिफरेंट काइंड के जीनोम ऐड हुए हैं। जीनोम का पता ना क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो अगर दो डिफरेंट जगह से क्रोमोसोम इकट्ठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, एलो पॉलीप्लाइड। और अगर एक ही इंडिविजुअल के या एक ही सेल के क्रोमोसोम डबल हो गए हैं तो उसको हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लाइड। ठीक है जी, ये आपने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, बस काफी है। एलो पॉलीप्लाइड क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम इकट्ठे हो, यानी कि 7 एक में थे 7 दूसरे में थे, दोनों इकट्ठे होकर 14 बन गए, तो ये क्या होगा, एलो पॉलीप्लाइड होगा। और अगर एक ही इंडिविजुअल के क्रोमोसोम डबल हो गए तो वो क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लाइड होगा। ठीक है जी, ये था यूप्लाइडी के मुतालिक। अब आते हैं हम एन्यूप्लाइड की तरफ। एन्यूप्लाइड के अंदर एक या दो क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटायर सेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता, एक या दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम जो है वो एड होते हैं या वो रिमूव होते हैं। ठीक है जी, इनको हम बोलते हैं एन्यूप्लाइड। तो एन्यूप्लाइड की टाइप्स जो है वो है मोनोसोमिक। सबसे पहली, मोनो का मतलब है एक, सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम, सो मोनोसोमिक का मतलब है एक क्रोमोसोम कम होना, यानी कि जो उसमें बेसिक क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसके साथ 2n लिखा हुआ है, पीछे आपने देखा होगा x लिखा हुआ था, तो 2n जो है ये होता है एक नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसको हम 2n से डिनोट करते हैं, और जो गैमीट के अंदर क्रोमोसोम होते हैं उसको सिंपल n से डिनोट करते हैं। रिपीट करता हूँ, जो एक इंडिविजुअल के सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम 2n के साथ डिनोट करते हैं, और जो गैमीट के अंदर होते हैं उसको सिंपल n के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है जी, सो जो एन्यूप्लाइड है उसके अंदर 2n से क्रोमोसोम या ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमिक, अगर दो क्रोमोसोम कम हो तो उसको बोलते हैं नलिसोमिक। अब ये दो क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम पेयर, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कम होंगे। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कम हो, फॉर एग्जाम्पल एक ए क्रोमोसोम कम हो, एक बी क्रोमोसोम कम हो, तो उसको बोलेंगे डबल मोनोसोमिक, वो भी मोनोसोमिक ही होगा, ये याद रखिएगा। 2n-1 मोनोसोमिक, 2n-1-1, अगर दो दफा माइनस वन हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से दो क्रोमोसोम कम है लेकिन दोनों नॉन होमोलोगस हैं। और अगर लिखा हो 2n-2 तो इसका मतलब है दो क्रोमोसोम कम है लेकिन दोनों जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो 2n-2 होगा तो वो क्या होगा, नलिसोमिक। ऐसे ही अगर +1 हो तो वो ट्राइसोमिक, और अगर +2 हो तो वो टेट्रासोमिक। तो ये एन्यूप्लाइड की चार आगे टाइप्स हैं, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक और नलिसोमिक। मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम कम है, नलिसोमिक में एक पेयर कम है, होमोलोगस पेयर कम है, दो क्रोमोसोम कम है, ट्राइसोमिक में एक क्रोमोसोम ज्यादा है और टेट्रासोमिक में एक पेयर ज्यादा है। ठीक हो गया बेटा जी, समझ आ गई? यस सर। मोनोसोमिक के अंदर बेटा जी जो नॉर्मल सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है ना उनमें से एक क्रोमोसोम कम होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल है 42, तो अगर 41 हो जाए तो वो मोनोसोमिक कंडीशन होगी। ऐसे ही अगर एक ज्यादा हो जाए, 43 हो जाए 42 की बजाय, तो वो ट्राइसोमिक होगा। दो ज्यादा हो जाए तो वो टेट्रासोमिक होगा। दो कम हो जाए तो वो नलिसोमिक होगा। ओके सर, मतलब एक है तो एक सिंगल जाएगा, एक पूरा पेयर नहीं जाएगा? नहीं, सिंगल जाएगा बिल्कुल। उसमें फिर जो अगर मोनोसोमिक है ना तो उसके अंदर फिर जब मियोसिस होते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। क्रोमोसोम के अंदर जो है ना एक सेल में से आधे जो है ना वो आपको पता है ना पेयर की फॉर्म में होता है, फिर पेयर में से एक एक सेल में जाता है, दूसरा दूसरे सेल में जाता है, तो इसमें फिर जो एक ही होगा तो वो किसी एक सेल में जाएगा दूसरे में नहीं जाएगा, तो उसमें यह प्रॉब्लम आती है। वो लिखा हुआ है जी जी
मोनोसोमी का जो सर उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ 2n-1, जबकि सर जिस बता रहे हैं फिर तो होना चाहिए था +1। नहीं, मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम कम होता है, वो टेट्रासोमिक में है एक क्रोमोसोम ज्यादा, सॉरी ट्राइसोमिक में एक ज्यादा है, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन है ना वो डाइसोमिक होती है या डिप्लॉइड होती है, जो नॉर्मल कंडीशन है तो फिर डिप्लॉइड क्योंकि डबल ऑलरेडी है तो फिर इसलिए इसको ट्राइसोमिक मोनोसोमिक इसलिए लिखा है कि वो दो से कम होके एक आ गया है, एक कम हो गया है इनके, इसलिए इसको मोनोसोमिक लिखा है। ठीक हो गया जी। अच्छा इस ये तो था जो इसमें चेंजेस हैं उसके क्रोमोसोम नंबर्स के हवाले से। अब जो है वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के हवाले से चेंजेस है, वो चार चेंजेस हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से चेंजेस का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है ना उसका कोई सेगमेंट जो है वो या तो रिमूव हो जाएगा या एड हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम के साथ जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। सो अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। जैसे वर्ड से पता चल रहा है डेफिशिएंसी का मतलब कम होना। सो अगर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट जो है वो टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये दो तरह की होती है, इंटरकैलोरी। इंटरकैलोरी का मतलब है अगर क्रोमोसोम सेंटर में से रिमूव हो, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई और एफ, ये इसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं, अगर इनमें से सी और डी ये सेंटर वाला पोर्शन ये रिमूव हो जाए तो इसको बोलेंगे इंटरकैलोरी डेफिशिएंसी। और अगर ये जो एंड वाला पोर्शन है, साइड वाला टर्मिनल पोर्शन है, वो रिमूव हो तो उसको बोलेंगे टर्मिनल डेफिशिएंसी। ठीक हो गया जी। सेकंड जो है टाइप वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है जी। डबल होने का मतलब क्या है कि जैसे ये ए बी सी डी ई एफ ये नॉर्मल क्रोमोसोम है तो इसमें ई एफ जो है वो एक और ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। यानी कि कोई नया पार्ट क्रोमोसोम का आ गया लेकिन ये पार्ट होमोलोगस होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एक ही क्रोमोसोम है और होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो इसमें ऐड होगा, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। ठीक है जी। और थर्ड है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी डुप्लीकेशन की तरह की है लेकिन इसके अंदर जो नया सेगमेंट ऐड होगा वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा। ठीक हो गया जी। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा कि अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका पार्ट ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है जी। अब ट्रांसलोकेशन की भी दो टाइप्स हैं। अगर तो दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करें, यानी कि एक से सेगमेंट टूटा दूसरे में चला गया, दूसरे से टूटा पहले में आ गया, इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकेट कर गए, एक से दूसरे में चला गया दूसरे से पहले में आ गया। लेकिन अगर सिर्फ एक में ऐड हो दूसरे में ऐड कुछ ना हो, दिस इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है जी। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान दोनों एक दूसरे को सेगमेंट दें, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। और अगर एक जो है वो दूसरे को दे, दूसरा पहले को दे, दिस इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल। ठीक हो गया जी। अच्छा लास्ट जो टाइप है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर क्रोमोसोम का कोई, जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका ये सेगमेंट सी और डी टूटा, टूट के उल्टा हुआ फिर वहां पे अटैच हो गया, इन्वर्ट होके लग गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। उसमें क्या होगा, ए बी सी बाद में चला गया, डी पहले आ गया, यानी कि क्रोमोसोम आपस में या क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है आपस में उन्होंने जगह चेंज कर ली। ठीक हो गया। अब वो कैसे चेंज होती है, वो पहले लूप बनाते हैं फिर चेंज करते हैं, ये याद करने की बात नहीं है। जैसे सबको ये पता हो कि इन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम ब्रेक हो और वो अपोजिट या उल्टा हो के उसी जगह पे वापस लग जाए, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है जी। सो ये चार टाइप्स थी जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस थी। इसके पहले हमने नंबर्स के वाले से जो चेंजेस है वो पढ़ी है, अब ये जो स्ट्रक्चर के वाले से चेंजेस हैं, तो इनमें से कोई आपको बात, ये डेफिनेशन है जस्ट सिंपल सी, इनको आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी, कोई इतना इशू नहीं होगा। इनको आप एक दफा पढ़ लें, कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे